गल गल ते अपनी मर्जी दे मीडिया नू सद के तरथली मचाउण वाला सिद्धू जोड़ा अज 15 दिनों तो खामोश क्यों है कि हर वेले बादलों नू यह कहण वाला कि भज बादला भज सिद्धू आउंदा नू मैं यह कहना चाहुंदा कि जाग सिद्धू जाग अज सारा पंजाब देखदा तेरे वल। सिद्धू साहब मैं तुहानू यह कहना चाहुंदा कि अपनी कई किसी गल उपर ते कायम रहा करो, अखे गल्लां करन सखलियां ते औखे पालण बोल। पहला तुसी कहा सीगा कि जे राहुल गांधी मेठी तो हार गया तो मैं राजनीति छड़ दूंगा। फिर तुसी 30 मई नूं इह कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरा विभाग बदल के वेखे, फिर मैं दसूंगा मैं की करना। राहुल गांधी भी हार गया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तुहाडा महकमा भी बदल दिता, पर तुसी कुछ नहीं किया। इत्थे पंजाब दी जनता नूं इह दसना भी जरूरी है कि जिस दिन तुहाडा विभाग बदलना सी उस तों एक दिन पहला तुसी दोवें जी कैप्टन तो माफ़ी मंगण लई तरलो मच्छी हुंदे रहे, पर उहने तुहानू टाइम ही नहीं दिता। मैं तो पहला भी एक बार तुहानू कहा सीगा कि जां ते खंघीए ना लीकों लंघीए ना, जे मत्था ला लिया तो फिर माफ़ी मंगीए ना। पर तुहाडा हाल तां कादर खान की उस फिल्म वर्गा है कि जिस चो बिल्कुल तुहाडी टाइप का जिहड़ा नेता विखाया गया उहनू जिहड़े भी अफसर नाल काम हुंदा सी उहदे दफ्तर जा के मेज़ दे थल्लों दी उहदे पैर फड़ लैंदा सी ते काम करा के ही उत्थों उठदा सीगा ते बाहर आ के तुहाडे दोवां जीआं वांग कहिंदा सीगा बहुत डरता है मुझसे, मेरी हर बात मानता है, ते बाहर पब्लिक नूं पता ही नहीं हुंदा कि अंदर उह की करके आया। ते अज हालात इह बणदे जा रहे आ कि तेरिया दूजिया लई कई कहावतां जो अज तेरे ते खुद स्टीक बैठन लग पईआं, तू मन चाहे ना मन पर अज दी तरीक दे विच तेरी हालत इह है कि ना तिन्नां च ना तेरां च ना टोकरी वाले बेरां च ना पलेरां च ते ना स्पेरां च ते कोई भी तेरे नाल नहीं, सगों जिहड़े तेरे नाल दाज च आए सी जिन्हां नूं तू वड्डे वड्डे अहुदे दवा के नवाजिया सीगा, कोई कौंसलर बनाए कोई होर अहुदे दिते, उहनां चों इक वी तेरे हक दे विच नहीं बोलिया इस एपीसोड दे विच, क्योंकि उहनां नूं तेरे नाल नहीं सिर्फ तेरे नाल तेरे महकमे तों अपनियां दुकानां चलाउण नाल मतलब सीगा। कित्थे गए तेनूं देवता ते तेरी घरवाली नूं देवी ते तेरे घर घर नूं मंदर कहण वाले, जे तू थोड़े दिन होर बाहर ना निकलिया तो उन्होंने अपने देवी देवते भी बदल लेने ते मंदिर भी बदल लेना, ते तेरा हाल वो होना कि ना मंजिल पे पहुंचे ना वाट पे, बस बीच में ही अटक गए ना घर के रहे ना घाट के। एक गल मैं तेनूं यह भी कहूँगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महकमा तेनूं बड़ा चुन के दिता जिहड़ा तुहाडे दोवां जीआं लई बिल्कुल फिट बैठदा कि बिजली मंत्री, क्योंकि तुसीं दोवें जी मैंटल केस ते हैगे जे, जदों तुहानूं कितें पागलपन का दौरा पवे तो अपने महकमे चों थोड़ी जी बिजली अपने आप नूं ला लिया करो, तुहाडे लई बड़ा फिट बहूगा। अखीरली इंटरव्यू च तू मेरे बारे भी बोलिया सीगा कि मैनू चौंक च खड़ के गालां कढ़दा, उहदे बोलण नाल मेरी दाढ़ी दा को वाल चिट्टा हो जूगा। पहली गल भरावा मैं तैनूं इह चेता करवा देवां कि तेरी दाढ़ी दा इक वाल नहीं, तेरी सारी दाढ़ी जिहड़ी उह चिट्टी आ, और तू उहनूं लकाउण लई अपना मूँह काला करदा। रही गल गालां कढ़न दी, तू अपनी घरवाली तों मेरे खिलाफ़ इन्ना ऊल जलूल बुलाउणा कि मन्ना ठोकता मन्ना आ मन्ना आओ, मैं तो कभी नहीं तैनूं शिकायत की किसी गल की, ज मैं किसी नूं भी यह शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं मानदा यह मैं तेरे तो सिख्या कि बहादुर कदे शिकायत नहीं करते सगों शिकस्त देंदे आ, शिकायतां हमेशा जिहड़े उह कायर करदे आ। और जिवें तू कैप्टन अमरिंदर सिंह की शिकायत लैके बच्चा वांग राहुल गांधी को पहुँच गया, अपनिया कई गल्लां नूं किवें भुल जाना तू, तुहाडा दोवां जीआं दा हाल शराब की उस मशहूरी वर्गा जिहड़ी सोडे की ऐड विखा के शराब वेचदे आ, तुहाडे दोवां जीआं उपर लेबल को होर लगा तो असलीयत दे विच तुसीं कुछ होर जे। तुसीं ते तुहाडे मैडम हमेशा कहिंदे आए आ कि असीं पंजाब लई बणे आ, पंजाब लई कुछ कर, पंजाब लई असीं कुछ भी कर सकदे आ, ते तुसीं भी सिद्धू साहब अक्सर ये बोलदे सुने जांदे हो कि ये नज़रां नहीं बनिया झुकाउण वास्ते, ये बनिया ने शहीदियां ते खुमारियां लई दो कम्मां वास्ते साडे सिर बने, जां आरियां लई जां सरदारियां लई। ते जे हुण सही मायने दे विच पंजाब दे सच्चे खैर ख्वाह जे फिर पंजाब दे हालातां नूं वेखदे होए ये दो साल दी वजीरी दा लालच छड्ड के लग जा अज तों पंजाब दी सेवा दे विच ते दे कुरबानी इस मंत्री पुणे दी, ते जे आउंदे दो सालां दे विच लोकां ने तैनूं पंजाब दा मुख मंत्री ना बणाया ते आखी मैं भी तेरे नाल लगूंगा बिना किसी शर्त तों बिना किसी टिकट तो बिना किसी अहुदे तो नेक नीति नाल पंजाब दी सेवा दे विच लगूंगा कि पानी दे चढ़े बिना सलाब नहीं हुंदे, मिट्टी च डुब्बे बिना गुलाब नहीं हुंदे, शहीद भगत सिंह दी तरह फांसी ते चढ़ना पैंदा, एवें तेरे वांग रुस के बह जाण नाल इनकलाब नहीं हुंदे। कुरबानी ये नहीं है कि पूरा समा सत्ता जिहड़ी मानो
ते तीन क महीने पहला अस्तीफा दे के भोले भाले लोगों नूं कहो कि मैं तुहाडे लई सब कुछ छड्ड दिता जिवें तू बीजेपी छड्डी सी उमर च तेरे नालों मैं बहुत छोटा पर एक तैनूं सलाह जरूर दऊंगा कि अपनी गल दे उत्ते खड़िया कर ते ताकतवर वे बंदा वेख के उत्तों डरिया ना कर। इहो मोदी सी जिहनूं पिछले दो महीने तू लख लख गाल कढ़दा सीगा ते भंडा वांगू भंडदा सीगा। हुण जिस दिन दा उह दुबारा प्रधानमंत्री बनिया तेरे मूँह चों एक लफ्ज़ नहीं निकलदा उहदे खिलाफ, इह डर नहीं है ते होर की है। मैं हल तेरे को दो ही ने, मैं तैनूं दस दवां, जां ते सत्ता माण अपना टाइम पास कर पैसे इकट्ठे कर ते अपनी घरवाली नूं अगे ला के पैसे इकट्ठे कर, क्योंकि टीवी शो ते कमेंट्री तैनूं मोदी ने किसे चैनल दे उत्ते नहीं करन देनी। टीवी ते दूर उहने तैनूं किसे रेडियो ते नहीं बोलन देना, जिन्नी उहदी पकड़ ते जिन्नी उहदी दहशत है। ते जां फिर जिस तरां तूं कहिंदा मैं बाबे नानक दा भगत आं, उहनां दे लिखे शब्दां ते पहरा दे कि जौ तो प्रेम खेलण का चाओ, सिर धर तली गली मुरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे, इस गल ते अमल करके कुरबानी दे ते पंजाब लई कुरबानी दे अपने मंत्री पुणे दी ते लग जा पंजाब दी सेवा दे विच ते पंजाब दे मुद्दयां दे उत्ते कम कर। तू साडे वांग किसे जान पछाण दा मुहताज नहीं आ, लोक तैनूं पलकां ते बिठाउणगे, सही नीयत नाल कम करके वेख, पंजाब दी सेवा करके वेख। जे लोक दिल्ली वालिआं नूं जिता सकदे, आम आदमी पार्टी वालिआं नूं पंजाब दे विच, तू ते फिर पंजाबी आ। एक वारी सच्ची नीयत नाल सेवा ते कर, पंजाब दी लोकां नूं शदाई ना बना। अखीर च मैं तैनूं कहूंगा, तू मेरी गल याद रखी लग पंजाब लई, कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा।